हेलो फ्रेंड्स, अंडरग्राउंड रेस देख लो, मजा आएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। तो की हाल चाल है आप सभी के? तो मैं बहुत ही खास जगह आया हूँ। बैकग्राउंड से तो खास नहीं लग रहा होगा आपको, बट चीज़ें बहुत धमाके वाली होने वाली है यहाँ। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। कहाँ से? घर से। तो एक घंटे पहले की बात है, मेरे पास जतिन ने कॉल किया, एक क्या दो घंटे पहले। तो जतिन ने मेरे पास कॉल किया कि भाई मुंबई में अंडरग्राउंड रेस हो रहा है। तो मैंने सोचा यार अंडरग्राउंड रेस मैंने तो कभी अटेंड किया नहीं है, तो मैंने सोचा इस बार अटेंड करते हैं। तो मैं फटाफट तैयार हुआ और फिर क्या, फिर मोहतरमा को लेकर मैं निकल गया वहाँ से। माँ कसम जो ट्रैफिक मेरे को मिला ना, कि बाइक तो हीट ही हुआ, मेरा दिमाग भी हीट हो गया। तो कम से कम मेरे को दो घंटे लगे कहाँ से, मलाड से वड़ाला आने में। और गूगल आंटी ने जो भटकाया मुझे ना, अब विश्वास करने लायक नहीं है गूगल आंटी को। तो फिर कुछ इस तरह लड़ते झगड़ते गिरते मैं पहुँच गया कहाँ, जहाँ पे मुंबई का अंडरग्राउंड रेस हो रहा है। और आते ही क्या हुआ मेरे साथ, मेरा फ़ोन गिर गया सीधा बाइक से नीचे, मतलब बच गया, कुछ फटका नहीं लगा, नहीं तो आजकल किस्मत बहुत ख़राब चल रही है। और आते ही मिले हमारे एक सब्सक्राइबर वहाँ पे, हमको तुरंत पहचान लिए। तो जब कोई भीड़ में आपको पहचान लेता ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जी हाँ, बहुत अच्छी फील आती है। और क्या, अब यहाँ बैठा हूँ और अभी थोड़े टाइम में और स्टार्ट हो जाएगा आपका अंडरग्राउंड रेस। तो आपको काफ़ी कुछ दिखाने को है मेरे पास आज, क्योंकि आज मैं अकेले नहीं हूँ। तो जब आप अकेले होते हो तब आपको बकबक बकबक करने की ज़रूरत रहती है, और जब ज़्यादा क्राउड में रहो तो आपको सिनेमैटिक शॉट्स भी मिलेंगे और कंटेंट भी मिलेगा, बातें भी मिलेंगी। तो काफ़ी इन्जॉय कराएंगे हम आपको। तो चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने पहले ही बोला था ना कि हम जहाँ आते हैं वहाँ की सीटें खाली हो जाती है, नहीं पता तो देख लो खुद ही। तो अब बारी है आपको ड्रोन शॉट दिखाने के। हम कहीं जाए और ड्रोन ना उड़ाए, ऐसा हो नहीं सकता। वैभव मांगेला, रिद्धि नायक। हेलो फ्रेंड्स, अंडरग्राउंड रेस देख लो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और भीड़ देख के यही लग रहा था कि अंडरग्राउंड रेस की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। तो अभी फिलहाल हम इंतजार की घड़ियां काट रहे हैं यहाँ पे। अरे आप वो एनबी ब्लॉग्स हो ना? नहीं, मैंने आपकी राइड देखी थी गुजरात राइड, और आपकी स्टोरी देख के मैं अभी के अभी यार, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा। प्लीज मेरे साथ एक फोटो खिंचाइए ना। देख रहे हो भाई, भाई सेलिब्रिटी हो गया आपका। सर बिग फैन, सर सर बिग फैन। आप भी आ जाओ, देख रहे हो आपकी वजह से। भाई सर के बहुत बड़े फैन है हम। सर आपका गुजरात राइड में ना, सर भाई आपकी राइड देख के मैं भी गुजरात चले गया था, पर पता नहीं किधर चले गया था। Thank you.
फिर क्या, थोड़ी टाइम मस्ती किया और फिर रेस स्टार्ट हो गया। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों को। या क्या बोलना चाहते हैं? जो मैंने भाई लोग आपने बोला था कि अनबी भाई अभी गुजरात में आए थे लेकिन हम लोग को मिले नहीं थे, तो अगली बार आप आएंगे जरूर मिलेंगे उन लोग को। नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे, गुजरात अगर आएंगे तो सूरत जरूर आएंगे। सूरत और नवसारी में नौ राइडर है, उन जरूर मिलेंगे, आप लोग से जरूर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पक्का। और मेरे मीटअप फ्रेंड्स, आप लोगों ने बोला था ना कि भाई ये प्रॉमिस पूरा करना, पूरा कर दिया भाई मैंने, ये प्रॉमिस मिलेंगे आप पक्का। थैंक यू। और हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा, और इनसे मिलिए, ये हैं जतिन की मोहतरमा, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। All the best Jatin, I know you do well, I love you. What's up guys, this is Jatin here. So आज अपना underground racing है, क्या public जरा आराम से पूरा आगे तलक देखना, सही ना? सबको all the best wish करो. All the best Jatin. बात क्या है, बात ये है कि रेस स्टार्ट हो गया है और सब कुछ मक्खन की तरह चल रहा है यहाँ पे, और आई होप आप लोगों ने जितने भी मेरे शॉट्स लिए सारे शॉट्स आप लोगों ने एंजॉय किया, और बस एंजॉय कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में फिर निकल जाएंगे, और मैं इधर देखो बैठ गया कहीं नहीं, क्या करें, बैठना पड़ता है, कोई जगह ही नहीं है। फिर जतिन भी रेस करने उतरा और हमने काफ़ी चीयर किया उसे। रेस देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील करी, वो जैसे नी डाउन कर रहा था ना, हर एक एंगल पे उसने अच्छे से नी डाउन अच्छा करता, पता है सबसे ज्यादा स्पीड में पनिश हुई होता था। क्या बोलेंगे सर? आई लव यू, लव करते हैं हम लव। क्या था पीछे, अंडरग्राउंड रेस चल रहा है। अंडरग्राउंड क्या, ये था KTM ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मैंने सोचा कुछ आप लोग को सार्केस्टिक चीज़ आप लोग को बताता हूँ, तो वही सब चल रहा है। जतिन ने फर्स्ट, मतलब ये लैप वाला था कि जिसका फास्टेस्ट लैप रहेगा तो वो क्वालिफाई करेगा, फिर फाइनल होगा, ऐसा कुछ है। तो अभी पीछे और भी चल रहा है, बट मुझे और काम है तो क्या, फिर मैं निकलता हूँ अभी हमारे। फिर क्या, हम निकल गए वहाँ से फटाफट। अबे कैमरा छोड़ के कैसे जा सकता हूँ?